सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला हकीकत नगर में मंदिर से आ रही बुजुर्ग महिला को झांसा देकर बदमाश महिला के कुंडल, अंगूठी, हाथ के कड़े एवं सोने की चैन लेकर फरार हो गए। सहारनपुर में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि लूट गए सामान की कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए है। उन्होंने पुलिस से बदमाशों को पकड़कर कार्रवाई की मांग की है। मैं शिव मंदिर कुटिया जा रही थी, शिव मंदिर पे एक आदमी खड़ा था, उसने मेरे से पूछा किसी का एड्रेस, मैंने कहा मुझे पता नहीं है, फिर मुझे मैं चली गई, फिर वापस आ गई, फिर उन्होंने मुझे कहा 3 पत्ते तोड़ के लाओ, मैं पत्ते तोड़ के लाई, फिर मुझे एक गली में ले गया, वहाँ पता नहीं समझ नहीं क्या बातें करी है, मुझे कुछ पता नहीं, फिर मुझे मैं ले गया आगे, आगे जाके उसने मेरे से सब कुछ उतरवा लिया। जी, आज सुबह ये करीब 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक महिला है जो हकीकत नगर की रहने वाली है और वो शिव मंदिर हकीकत नगर में जा रही थी, तो उसी रास्ते में उनसे 2-3 लोग उनको बातों में लगाते हैं और जैसे महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि बातों में लगाते हुए उनसे उनके कुंडल और कुछ और सोने के जेवरात उनसे ले लेते हैं और उनको दे देती हैं किसी और ये प्रथम दृष्टया अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ ये कुछ टप्पेबाजी जैसी घटना कारित हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में हमारे ये जो इसमें अपराधी थे वो भी उनके चेहरे हमारे पास साफ हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं और उसके आगे अभी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, बहुत जल्दी इसमें इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सहारनपुर जैन वार्षिक गजरथ महोत्सव यात्रा आज बड़े ही भक्ति भाव के साथ उत्कृष्ट ढंग से धार्मिक परंपराओं और रीतियों व विधियों के अनुरूप धर्म की महत्ता और उनके संदेश को देती झांकिया से समाहित भव्य ढंग से जैन वार्षिक महोत्सव यात्रा की वापसी हुई। यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री जी का 17 फीट ऊंचा स्वर्ण मंदिर रथ रहा। सहारनपुर में जैन वार्षिक गजरथ महोत्सव यात्रा आज वापसी के लिए जैन बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी से शुभारंभ हुई। यात्रा का शुभारंभ यात्रा के मुख्य संयोजक राकेश जैन, महामंत्री संजीव जैन, अनिल जैन, संदीप जय, बॉबी राजीव जैन टीटू, राजीव जैन, सुनील जैन टीटू, आचमन जैन चौधरी, अजीत जैन चौधरी, अनुज जैन चौधरी, संदीप जैन ने संयुक्त रूप से किया। गत वर्षों की भांति ये जैन समाज का परंपरागत कार्यक्रम वार्षिक रथ उत्सव का है, जो इस बार टोली चौधरियान, जहां से हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजेश जैन जी का निवास स्थान भी है और इस जगह सबसे ये बावन चित्तालय का मंदिर है जो एशिया में कहीं नहीं है। इस बार 13 साल बाद इस मंदिर की रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ जो 20 से लेकर 25 तक कार्यक्रम चला। इसका प्रोग्राम अलग अलग प्रोग्राम कहते इसमें सबसे पहले तो धन्यवाद जैन समाज की पंचांग समिति, महिला पंचांग समिति और जैन समाज की अनेकों संस्थाओं के साथ साथ चौधरीयान में एकता क्लब और साधु सेवा समिति, युवा साधु सेवा समिति, चिंतामणि पारसनाथ संघ, ये 3-4 ग्रुप ऐसे थे जिनके सैकड़ों बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जो योगदान दिया, समाज इनके सहयोग को कभी भूलेगा नहीं। रात के कार्यक्रम में अलग अलग संस्थाओं के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन हुआ है, अपना धार्मिक तंबोला हुआ है, रंजना नेप का कार्यक्रम हुआ है और टोली जैन बाग का कार्यक्रम हुआ है, मयूर नाइट हुए, अनेकों ऐसे कार्यक्रम जो वास्तव में आने वाले आगामी कई साल तक इन कार्यक्रमों की छाप जैन समाज पर नहीं अपितु सभी समाज पर रहने वाले। धन्यवाद मैं समाज के सभी व्यक्तियों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों, जिन व्यापार मंडलों ने, जिन अन्य संस्थाओं ने हमारा जो यात्रा में सहयोग किया है और उपस्थिति की है, तो मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में इसी अपेक्षा से हम सब मिलकर काम करेंगे, जो भी कार्यक्रम हो जैन समाज के ऐतिहासिक कार्यक्रम करने में तत्पर रहेगा।